सब उल्टा हो रहा है। अरे जिस प्राची को घर से बाहर निकालना चाहिए था उस प्राची को घर ले आए, और वो भी लेकर कौन आया रणबीर? वो भी कैसे? गुंडों से लड़कर। एग्जैक्टली बूजी, सिर्फ दो घंटे पहले सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इस घर में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। रणबीर और प्राची के बीच में दरार, एक्चुअली यू नो व्हाट, दरार नहीं, खाई आ गई थी। पर अब देखो सब कुछ बदल गया, अचानक सब कुछ बदल गया। अरे रात गुजरी नहीं कि पूरी बाजी पलट गई। लेकिन पल्लवी, विक्रम को क्या हुआ है? अरे जिसे घर से बाहर निकालना चाहिए उसे घर ले आए। माना कि वो प्रेग्नेंट है, धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन प्यार से तो कह सकते हैं ना उसे घर से जाने के लिए। डोंट वरी प्राची, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। तुम ना बस मेरा ये जो हाथ है ना, ये कभी मत छोड़ना, ओके? चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। प्रॉमिस। रणबीर। रिया, but I love you. और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। पर I'm sorry, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, but I promise, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं। तुम प्रॉमिस करती हो? प्रॉमिस दो, प्रॉमिस। वादा करो मुझसे कि वादा, प्रॉमिस। मुझे कभी नहीं छोड़ोगी? कभी नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। I love you. I love you too. Love you. I love you. God, you know what, Bhuji, ये सारी गलती ना मेरी है। I let this happen, God damn it. अगर मैं सिर को यहाँ लेकर नहीं आती ना, तो रणबीर और प्राची के बीच में जो डूबा हुआ प्यार है ना, ऐसे उभर उभर के नहीं निकलता। और देखो निकला भी तो कैसे निकला, मेड फॉर ईच अदर वाला लव बाय फुट। गॉडडैमिट, मैंने ही इन्हें अलग किया और अब मैंने इन्हें मिला दिया। व्हाट अ फूल आई हैव बीन। रिया, अपने आप को कोसना बंद करो, उसे कुछ बदलने नहीं वाला है। गॉड, बूजी बदल गया है। आपने देखा नहीं कैसे वो एक दूसरे को कन्फेस कर रहे थे दैट दे लव ईच अदर। रिया, वो दोनों नशे में थे, और कल सुबह जब उठेंगे ना तो उन दोनों को याद नहीं होगा कि उन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा, क्या किया। दे'ल फॉरगेट एवरीथिंग। नो बूजी, उन दोनों का इस तरह से मिलना किसी अनहोनी का इशारा लग रहा है। And I'm pretty damn sure about it. उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, in fact वो सब भूल जाएंगे। But you know what? उनका जो प्यार है ना, वो उनको नहीं भूलेगा। अरे ऐसे नहीं तो वैसे, हमेशा उनको क्लोज लाता रहेगा। उन्हें क्लोज नहीं आना चाहिए था ना बूजी, बताइए, नहीं आना चाहिए था ना क्लोज? प्राची जा रही थी इस घर को छोड़ के ना, I was so happy, God damn it, I was so happy, but रणबीर, रणबीर पहुंच गया बूजी, है वक्त पे उसके पास पहुंच गया। वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे गले लगा रहे थे जैसे वो खुश थे बूजी। वो अब वो दोनों एक साथ इसी घर में रहेंगे, और मैं लॉजम हार गई हूँ मैं। कंट्रोल लिया, कंट्रोल में रहो। हार गई हूँ बूजी। गुरु, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है बूजी? मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है भगवान? Why me बूजी? मेरी क्या गलती है? I did everything properly, right? हना बूजी और मॉम भी प्राची की साइड ले रही है। उनको सिर्फ प्राची की चिंता, मेरी चिंता तो किसी को नहीं है बूजी। और बूजी, अगर वो कल को कह देंगे कि प्राची और रणबीर के मेंटल हेल्थ के लिए उन दोनों का साथ रहना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगी बूजी? व्हाट विल आई डू बूजी? ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट हैव ट्रस्ट इन मी। जिस पल्लवी को मैं जानती हूँ, आई एम श्योर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरा रणबीर यहाँ था और क्या हो गया? कितना हंसमुख और जिंदा दिल था, हमेशा शांत और खुश रहता था, दूसरों की भी हमेशा
खुशी ही चाहता था, पर बदले में इसे क्या मिला? जिससे प्यार किया उसी ने इसे वाइफ और लाइफ दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे के साथ। कैसा है मेरा बच्चा? मॉम, मॉम, कल क्या हुआ था? आराम से, एक मिनट, एक अच्छा 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 थैंक यू, आराम से बेटा। ओके? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं डे वन से प्राची को लाइक करने लग गया था। रणबीर और प्राची अलग हो गए और रिया और मैं अलग हो गए। हम दोनों के आसपास एक दूसरे के अलावा कोई था नहीं, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा बनाया। प्राची का बच्चा अगर रणबीर का नहीं है तो किसका है? आंसर मी गॉड डैम इट, किसका है प्राची का बच्चा? मेरा है। रणबीर, तू रो रहा है? रणबीर रो क्यों रहा है बेटा? बच्चा मत रो, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। और मैं क्या करूं? मैंने प्राची से इतना प्यार किया, सब कुछ किया मैंने उसके लिए, और फिर भी वो सेठ के बच्चे की मां बनने वाली है। वाली इतना मत सोच बेटा। कैसे ना सोचूं मम्मी, मैं इतना, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। मैंने कितना कुछ सोचा हुआ था उसके साथ, मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर चुका था, सब कर चुका था, फिर ये सब उसने कैसे मेरे साथ, कैसे कर सकता, कैसे? राची उठ, राची उठना, सुबह हो गई, उठ जा। क्या हुआ, तू ठीक है ना? बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए रणबीर से दूर रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसकी सारी बातों पे भरोसा है, पर मैं ये कहूंगा कि उसकी बात पे भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं दिख रही मुझे। मैं अब तक यही हूँ, मैं यहाँ कैसी हूँ शाना? मैं जा रही। राची, तू कहाँ जा रही है? नहीं तू, राची समझ नहीं रही है, मैं ये घर छोड़ के जा रही थी कल, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दे। राची तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही रहेगी। राची देख, आज का दिन ना बहुत शुभ है, घर में गणपति पूजा है, घर पे गणपति जी आने वाले, और कहते हैं कि जब घर पे गणपति जी आते हैं ना तो घर वाले घर से बाहर नहीं जाते। राची तू इतना दिमाग मत लगा, ये सब छोड़, कुछ मत सोच। देख ये तेरी साड़ी रखी है, सब नीचे इकट्ठा हो गए, तू भी जल्दी से आ जा, गणपति जी आने वाले। मेरी बात समझ जाना, मैं नहीं। राजीव तू मेरी बात समझ, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी वाले दिन घर से बाहर नहीं जाते। और राजीव क्या पता वो चाहते हो कि तू उनकी पूजा अपने हाथ से करे, तू उनका स्वागत अपने हाथ से करे। तो प्राची ये सब बातें ना गणपति पापा पे छोड़ दे, वो विघ्न हरता है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे और वो ही तुझे राह दिखाएंगे। क्या पता वो तुझे इसलिए इस घर में वापस लेकर आए हो। ये तेरी साड़ी है, जल्दी से जाओ और फटाफट रेडी होके आ जाओ, तो उसमें बहुत अच्छी लगेगी। क्या हुआ, मिला मेरा नेकलेस? नहीं मिला मैम। अरे ऐसे कैसे नहीं मिला, इसे पूछो। क्या हुआ मैम, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? प्रिया इससे पूछो जो मैंने तुम्हें पूछने के लिए कहा है। मैम ने हमें कल ज्वेलरी शॉप में देखा था। हाँ तो? मेरा नेकलेस खो गया है। मेरा एक बहुत ही कीमती नेकलेस है जो कि मेरा फेवरेट नेकलेस भी है। कल शाम को मैंने ट्राई किया था, शाम के 7 बजे, और फिर यहीं रख दिया था। फिर हम घर से बाहर चले गए क्योंकि प्राची घर छोड़कर चली गई थी। फिर जब हम रिंग रोड क्रॉस कर रहे थे, मैंने तुम दोनों को वहाँ एक ज्वेलरी शॉप में देखा। तो अब बताओ मेरा नेकलेस कहाँ है। मैम आप क्या बोल रही हैं,
आपका नेकलेस खो गया है तो आप हमसे क्या पूछ रही हैं? हमें क्या मालूम आपका नेकलेस कहाँ है? Don't act smart. मैं जानती हूँ कि मेरा नेकलेस तुम दोनों ने ही लिया है, तो मेरा नेकलेस वापस करो वरना तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं. पुलिस कंप्लेंट? मैम आपको लगता है आपका नेकलेस हमने चुराया है? क्योंकि हम ज्वेलरी शॉप में थे तो हम दोनों चोर हो गए. मैम हम बैंक भी जाते हैं, तो अगर कल को बैंक में डकैती होगी तो आप उसका इल्जाम भी हम ही पे लगाएंगी. How dare you speak to me like this? मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि गरीब होना चोर होना नहीं होता है. घर हो या बाहर हो, कभी भी कोई भी गलती होती है तो गरीब को ही पकड़ा जाता है. क्यों? क्यों मैम? क्योंकि हम बोलते नहीं है. आपको हम पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए था. मैम क्या पता घर पे कहीं गुम गया हो. फाइन, ठीक है, तो मेरा नेकलेस ढूंढ के दो. गुम हो गया होगा, यहीं कहीं होगा, तो नेकलेस ला के दो. मैं तुम्हें चोर नहीं बुलाऊंगी. मैम मैं लेडीज सामान हाथ नहीं लगाता. प्रिया तो हाथ लगा सकती है ना, उससे कहोगी मेरा नेकलेस ढूंढ के दे. और अगर नेकलेस मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करोगी. क्विक! रो मत, तुम्हें पता है हमने ये नहीं किया है. नेकलेस मिल जाएगा, तुम ढूंढो. मैम नेकलेस बेड के पीछे था. आप कल जल्दी में जा रहे होंगे तब गिर गया होगा. ठीक है जा. ऐसे नहीं मैम. तो फिर कैसे? इनाम चाहिए. आपने बेवजह हमें इतना सुनाया, प्रिया को भी रुलाया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इससे. दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मैं तुम दोनों से माफी मांगूंगी. तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है. और मैं जानती हूँ कि नेकलेस तुम दोनों ने चोरी किया था. सोचा होगा कि इसे बेड के पीछे रख देते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो नेकलेस यहाँ से ले जाएंगे. या अभी जब मैंने पुलिस का नाम लिया तो ये नेकलेस तुमने बेड के पीछे फेंक दिया होगा. और अब दे रहे हो कि मैम आपका ये नेकलेस मिल गया, ये लीजिए. तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं, और तुम लोगों की चालाकियों को. मैं अभी के अभी तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ, इस जॉब से बाहर निकालती हूँ. सुना नहीं तुमने? आई सेड गेट आउट. प्रिया, गणपति जी घर आ रहे हैं तो घर की सफाई तो होनी चाहिए ना. आउट. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति. पूछी सब आ गई है, प्राची कहीं नहीं दिख रही. छोड़ो ना, क्या करना है प्राची का? वैसे भी उसके आने से सिर्फ मूड ही खराब होता है. ओम असय प्राणा प्रतिष्ठन्तु, असय प्राणा चरन्तु च, अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन. गणपति बप्पा गोर्या, गणपति बप्पा गोर्या, मंगल मूर्ति आची, जल्दी चल. अरे वाह, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है.
चल जल्दी चल नीचे, तो आरती का टाइम हो गया, आ जा। सुन, अरे क्या हुआ, तो फिर से वही सब सोचने लग गई? मुझे ना अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, घबराहट सी हो रही है। आई नो घर में पापा आने वाले हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसे। प्राची ये सब ना तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरा मन ना बहुत अशांत है, तेरे दिमाग में ना काफी कुछ चल रहा है, तो दिमाग से सब निकाल। और तुझे बेचैनी घबराहट ये सब इसलिए भी हो रहा होगा, वो जो नशे वाला स्प्रे किया था, कई बार जब रात में पी लेते उसके अगले दिन हैंगओवर होता है ना, सिर घूमता है, सिर में दर्द होता है, इसकी वजह से हो रहा होगा और कुछ नहीं। तू बिल्कुल ठीक है। सच में मैं कभी झूठ बोलती हूँ? प्राची तू और रणबीर दोनों नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुम्हें तो ये भी याद नहीं था कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। पर उसके बाद भी ना तुम दोनों प्यार करना नहीं भूले, तुम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और यहाँ तक कि तुम तो शो ऑफ भी कर रहे थे कि कौन किससे कितना ज्यादा प्यार करता है। रणबीर ने कहा ऐसे कि मतलब रणबीर ने कहा कि वो मुझसे I love you. कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बार बोला और सबके सामने उसने तुझे गले लगाकर बोला कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, और यहाँ तक ये भी बोला कि वो तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। राजीव उस दिन सबको पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे, सबने देख लिया। अरे क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गए? उसने चल नीचे बापा आए हैं और तू यहाँ बातों में लग गई है ना, मुझे भी बिजी कर दिया। अच्छा तू मुझे नीचे लेके जाएगी? अब तू मुझे ले जाए या मैं तुझे ले जाऊं, जाना तो गणपति बापा के पास ही है ना। बिल्कुल तो चल चलो चल चल। क्या हो रहा है ये? क्या किया मैंने? अगर तुझे लग रहा है कि जो तू कर रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो you're sadly mistaken. मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है। I know it's a very emotional time for you. Yes. लो, प्राची का नाम ले और वो आ गए। इतनी बार भगवान का नाम लेते हैं तो वो प्रकट नहीं होते, लेकिन शैतान का नाम जैसे ही लो ना वो हाजिर हो जाते हैं। पंडित जी आरती स्टार्ट करते हैं।
हे गणपति बाप्पा, मुझे माफ करना, मैं आपके आने से पहले इस घर से जा रही थी। मैं आपकी वजह से रुकी हूँ, इस उम्मीद से कि आपके आने से सब ठीक हो जाएगा। बाप्पा, अब विघ्न हरता है, आपके आने से सच सामने आ जाएगा। सच को सामने लाइए बाप्पा।